जरूरत थी तुम्हें नायला भाभी को पैसे देने की? अगर देने ही थे तो कम से कम पुप्पी पुप्पा को बताकर तो देती, उनको भी पता होता। नायला इतनी लालची और मकार औरत है कि हर माँ तुमसे पैसों का तकाजा करेगी, और तुम भी इतनी बेवकूफ हो कि हर माँ उसके हाथ में आधी तनख्वाह रख दिया करोगी। अगर नायला भाभी को आधी तनख्वाह देने से उनका रवैया मेरे साथ ठीक हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हर्ज है। मैंने सारी जिंदगी इनके साथ नहीं रहना, मैं सोच रही थी कि अगले माह ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। अपनों के होते हुए क्या जरूरत है तुम्हें धक्के खाने की? अब हर माँ पैसे दे रही हो तो रहो वहाँ में, कम अज कम इज्जत तो होगी। मैं सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं गुजार सकती ना, इतनी मुश्किल से स्टोर रूम में गुजारा कर रही हूँ। दम घुटता है मेरा। वो घर जैसा भी है, कम अज कम अपनों का सहारा तो है, और तुमने कौन सा कोई वहाँ सारी जिंदगी रहना है? शादी के बाद वैसे आप हर बात के बीच में शादी क्यों ले आती है? क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे हमारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। हॉस्टल में रहने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आते। आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं? बहुत याद करते हैं तुम्हें, हर वक्त पूछते रहते हैं खाला कहाँ चली गई, कब आएंगी। और आप? तुम्हारे जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ नकी, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल का कोई टुकड़ा साथ काट के ले गई हो तुम। राशिद भाई कैसे हैं और उनका रवैया आपके साथ? वो कभी नहीं बदलेंगे, सिर्फ बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। उस वाक्य के बाद मेरा दिल ही नहीं करता इन माँ बेटे की शक्ल देखने को। बच्चे बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं नगीन, जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें एहसास होगा। खैर तुम मुझसे रास्ते में रहना नगीन, और अपना बहुत ख्याल रखना।